वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ गीत की वाणी। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी रात को कर क्या रहा हूँ, तो आपको बता दूं कि मैं ना तो शूट से आ रहा हूँ ना ऑफिस से आ रहा हूँ, बल्कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ। अब कल 15 अगस्त है, देश में सारी तैयारियां हो चुकी है, हर घर में तिरंगा भी लग चुका है, हमारे घर पर भी लग चुका है, देश की इतनी बात हो रही है। तो आपको आज एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने हमारे देश की मिट्टी को हर स्टेज पर रिप्रेजेंट करा है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। तो आइए आज उनसे मिलते हैं, मैं उनके घर पहुंचता हूं, तब तक आप इंट्रो देखिए। पधारो हमारे देश। क्या हाल है मेरे भाई? बहुत बढ़िया, आपकी क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैन, लाइक होम कम। वेलकम वेलकम, प्लीज आओ भाई। अच्छा आप भी आओ। इज वन एंड ओनली स्वरूप खान। थैंक यू भाई। तो भाई ये जो आपने ओवर द ईयर जो स्वैग स्टार्ट किया है ना, पगड़ी और एनक का क्या आपका? अरे हां चश्मा एनक, दोनों भाई पहन लेंगे? अरे बिल्कुल, ये तो मेरे से पहले रेडी रहता है भाई, पहनो मुझे। शुरू से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। राजस्थान की छोटी सी जगह से निकलकर बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम कमा लेना, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है आपके ज़ुबानी? देखिए मेरे म्यूजिक की बात करें तो मेरी शुरुआत होती है मंगनियार घराना, आपने सुना होगा जी। और मंगनियार और लंगास घराने ऐसे घराने हैं जिनके पास राजस्थानी फोक म्यूजिक का बहुत बड़ा खजाना है। इनको लोकल लैंग्वेज में मंगनियार्स और लंगा कहते हैं। मैं मंगनियार्स घराने से आता हूँ और हम एक्चुअल में मिरासी मुस्लिम से, लेकिन हमारा वो है ना कि म्यूज़िक से इतना अलग से पुराना नाता है कि हम लोग उसी पे ही जीते हैं और उसी को ही हम अपनी लाइफ मानते हैं। तो मैंने बचपन से ही मेरे उस्ताद पद्मश्री अनवर खान साहब मंगनियार और मेरे पापा उस्ताद नियाज खान साहब से मैंने अपना पूरा फोक म्यूज़िक सीखना शुरू किया था 5 साल की उम्र से। तब से लेके अभी तक मैं अपने फोक म्यूज़िक से हमेशा के लिए जुड़ा हुआ हूँ। और फोक म्यूज़िक का आपको मैं बता दूँ कि जैसलमेर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जो हम लोग मंगनियार्स क्रिएट करते हैं ना, वो हम लोग अपने जजमान जो होते हैं वहाँ पे राजपूत लोग, उन्होंने जो राजस्थानी हिस्ट्री के लिए क्या किया है, तो उनकी बखान उनकी तारीफ करते हैं अपने म्यूजिक। वीर गाथा जिसको बोलते हैं हम लोग की, वीर गाथा जो वीर गाथा जो राजस्थान के लोगों ने, जो पूर्वजों ने जो राजस्थान को राजस्थान बनाया है, तो हम लोग कुछ लोग अपनी किताबों में बयां करते हैं, कुछ लोग फिल्मों के जरिए बयां करते हैं, हम लोग अपने म्यूजिक के जरिए उस चीज़ को बयां करते हैं। तो उनकी तारीफें होती हैं और उसी तारीफों की वजह से हमारे म्यूजिक से वो प्रेरित होके हमें दान दिया करते हैं। जैसे कि पगड़ी उनकी राजपूतों की शान है राजस्थान की, तो ये पगड़ी हमें अपने म्यूजिक के द्वारा गिफ्ट में मिली हुई है, तो ये उनकी शान है ना, और वो हमारी शान म्यूजिक को इतना प्यार दे रहे, तो क्यों ना हम भी उनकी शान को अपने सर पे रखें। क्या बात, क्या ये हमारा एक आपस में एक दोस्ती है, हमारा नाता है हमारे वहाँ के जजमान और मंगनियार्स का। ये तो आपके बचपन की बातें हो गई, तो उसके बाद स्विच टू आइडल कैसे हुआ? इंडियन आइडल भाई। मैं एक्चुअली मेरी कामयाबी का जो श्रेय है ना, वो ज़्यादातर इंडियन आइडल को देना चाहता हूँ, बिकॉज उन्होंने ऐसा मंच दिया जहाँ से लोग मुझे स्वरूप खान के नाम से जानने लगे। अदरवाइज लोग बोलते थे कि हाँ मंगनियार्स आ गए या पगड़ी वाले सिंगर आ गए या फोक राजस्थानी बैंड आ गया, लेकिन आज लोग खुद के नाम से लाइक स्वरूप खान लाइव हो रहा है, नाइट्स हो रही है, तो ये एक मतलब सपना सा सच हुआ है ऐसा लग रहा है, और बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और इंडियन आइडल का सफ़र वहीं फोक हम लोग राजस्थानी लोकल शोज करते थे, तो मेरे एक दोस्त हैं बीकानेर से रामदयाल जी, उन्होंने मुझे एक कोई वेडिंग पे सुना होगा मेरा म्यूजिक, तो तब उन्होंने बोला कि आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, क्यों ना आप रियलिटी शो में ट्राई करो। रियलिटी शो होता क्या भाई ये बताओ, क्योंकि भाई अपने घर में टीवी नहीं थी, गांव में थे और मेरे गांव का नाम है भैया, तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि यार ये सब बोल रहे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इतना पूरा पता नहीं होने के बाद भी मुझे बोला कि यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है आप पहुँचो, तो मेरा ऑडिशन पे मैं पहुँचा, तो मैं पूरा बैंड लेके पहुँचा। उसके बाद अहमदाबाद में ऑडिशन हुआ फाइनल थिएटर राउंड के लिए, अहमदाबाद में जो जजेस राउंड, तो उसके बाद से मुझे लगा कि उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे बैंड वैंड ये सब नहीं चलता है, सोलो सिंगर चाहिए आपको, तो सोलो सिंगर के तौर पे आप सुनो, तो
तो मैंने गाना गाया तो सबको अच्छा लगा, हमारे जजेस अनु मलिक जी, सुनिधि मैम, सलीम सर, तो काफ़ी लोगों ने बहुत प्यार दिया और चैनल वालों ने भी मतलब समझा कि हाँ इस बंदे में कुछ बात है, जो भी सच सही सोचा हम लोगों ने बहुत सही सोचा है नहीं, सबका साथ सबका सपोर्ट है, तभी तो ये आगे आज मैं सबके सामने गा पा रहा हूँ, मिल पा रहा हूँ, दुनिया देख पा रहा हूँ। तो आइडल में आने का प्रोसेस तो चलो हो गया, थिएटर्स आ गए, बट आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये लोग तो कोर बॉलीवुड गाने वाले लोग हैं और फिर इनके बीच में मैं जो एक अपनी आइडेंटिटी लेके चल रहा है? इसलिए तो यार बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, बिकॉज जब मुझे वो बॉलीवुड के गाने दिए गए ना, तो देखो फोक म्यूजिक का एक अपना अंदाज है जो बहुत ही कमाल का है, पावरफुल है, तो हमें इतना नॉलेज नहीं था क्योंकि हमारी स्टडी इतनी अच्छी हुई नहीं, लाइक मैं पढ़ नहीं पाया, बिकॉज हमें स्टार्टिंग में फैमिली को सपोर्ट करनी होती है तो लोकल शोज करने पड़ते हैं सब, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाए पूरी, मन नहीं लगता था क्योंकि म्यूजिक एक बार जहन में आता तो फिर आपको सिर्फ म्यूजिक ही उस माहौल में रहते हो, म्यूजिक के माहौल में। बट तकलीफ ये आई कि ना स्कूल जाने की वजह से, मैं सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि स्कूल बहुत ज़रूरी, चाहे आप किसी भी धर्म में हो या किसी फील्ड में हो, लेकिन पहले आपने पढ़ाई करना ज़रूरी है। सो उसके बाद मुझे लगा कि यार बॉलीवुड म्यूज़िक तो इम्पोर्टेंट है यार, हिंदुस्तान पूरा सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है, और बॉलीवुड में हमारे राजस्थान का म्यूज़िक भी क्रिएट लोग दूसरे कर रहे हैं। तो उसके बाद से मुझे जब बॉलीवुड गाने मिले इंडियन आइडल में, तो मुझे लगा कि यार इसमें तो कुछ अलग ही बात है, तो उसको क्यों ना हम राजस्थानी थोड़ा टच दे के अलाप के साथ गा सकते हैं। तो मुझे ये गाना दिया था आँखों में तेरी, ऐसा ये तो ये गाना मुझे दिया, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा ही गाना है, तो मैंने उसको फोक तरीके से स्टाइल में, नहीं सुनो ना उसका फीलिंग कुछ अलग है, मांग कुछ और है और मैं अपनी मनमानी कर रहा हूँ, सब देख रहे क्या कर रहे हो तुम, इस गाने को ऐसे तो नहीं गाना है मैंने कहा यार मुझे आइडिया नहीं, फिर मैंने उसको मेहनत की दिन रात। और वो आपने बहुत सही पॉइंट बोला कि अभी तो खैर ट्रेंड बहुत अलग हो गया कि हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करने लगे, पर एक दौर वो भी था जिसमें राजस्थानी फोक लेकर उसके शब्द बदल दिए जाते थे और एक नया गाना बना के पेश कर देते थे जो कि ब्लॉकबस्टर हिट भी हो चुके हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जितनी मेरी स्टडी है, खैर आप तो ज़्यादा जानते हो, मोरनी बागामा इज राजस्थानी फोक, फिर लेता जय जोरे राजस्थानी, निम्बुड़ा खैर वो तो पूरा का पूरा वैसा का वैसा एडप्टेशन है, होलिया में उड़े रे गुलाल, फिर ये जितने भी गाने हैं ये सब जो लोग हमारे व्लॉग्स में नए आए हैं उन सभी को बता दो कि ये इनका सबका ओरिजिन जो है वो राजस्थानी फोक है। अपनी जो फोक स्टोरीज करके जो रील चलती है आप उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे। तो हर हफ्ते एक डिफरेंट चैलेंज, जो कि एक नया बॉलीवुड गाना आना, फिर हफ्ते भर में उसको तैयार करना, क्या रियलिटी से वो सपोर्ट मिला जिसके कारण आप यहाँ तक आ पाए? जब मुझे गाने दिए जाते थे ना तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे उसमें बहुत मेरे दोस्त लोग भी सपोर्ट करते थे और हमारे जो शो के डायरेक्टर थे मिस्टर सतीश दत्त जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि बेटा ये चीज़ें आपको और कामयाब बनाएगी, आप ऐसे ऐसे करो, तो मैं उन चीज़ों को फॉलो करता था। सबसे बड़ी बात मुझे ना जो वहाँ पे लेजेंडरी जो आर्टिस्ट वहाँ आते थे उनसे ना उनकी जो जर्नीज थी, उनके जो म्यूज़िक उन्होंने क्या किया वो सब सुनने को मिली, उनसे कुछ सीखने को मिला कुछ नया जो मुझे शायद वहाँ मतलब मैं सीख नहीं पाता इतना कुछ जो यहाँ मुंबई आके सीखने को मिला। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मैंने नोटिस किया है कि आपने वो एक ट्रेंड स्टार्ट किया, आप आए रियलिटी शोज में और उसके बाद रियलिटी शो में मांगनियर्स आना हमेशा एक पार्ट हो गया कि टॉप 12 में एक मांगनियर तो हो गया ही होगा एक ट्रेंड बन गया वो आना, और पूरा पूरा श्रेय मैं आपको ही देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो आपने जो बोली कि उसका श्रेय सबका मुझे आता है, मैं ऐसा नहीं मानता, बिकॉज उन सबकी भी मेहनत है और ज़रूर उन्होंने मुझे देखा होगा टीवी पे, तभी जाके उनके दिमाग में ये सब ख्याल आए होंगे, मोती खान होंगे या सवाई भट्ट और जसू खान, जितने भी जो रियलिटी शो में हमारे समाज के जो लड़के आए हैं, तो उन सबकी बहुत बड़ी मेहनत है। आप आए उसके बाद हौसला बढ़ा लोगों का कि चलो हम भी करते, वैसी बात है। तो हाँ, कमिंग बैक टू योर जर्नी, कि जैसलमेर वापस गए, स्टार बन जाना उस जगह का, और उसके बाद कब वो थॉट आया कि नहीं अब मुझे मुंबई जाना?
नहीं मुझे आफ्टर इंडियन आइडल 5 में जब जैसलमेर गया उसके बाद ही मुझे आ गया था कि दिमाग में चीज़ आई कि मुंबई में ही रहना है। मैं जब घर गया तो उसके एक दो महीने बाद ही मैंने शिफ्टिंग का सोच लिया और उसके बाद यहाँ आगे शिफ्ट हुआ। बट मुझे पता नहीं था कि यहाँ आके इतना, उसके बाद भी बहुत सारी मेहनत है, स्ट्रगल लगा। तो एक जैसे जैसे टाइम आगे गया उसके बाद लगने लगा कि हाँ अब और भी कुछ चीज़ें चाहिए होगी यार इस शहर में रहने के लिए, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो उसके बाद से मुझे लगा कि हाँ 10-15 साल तो लगेगा अभी प्लेबैक करने में। उसको मैं प्लानिंग सोच ही रहा हूँ कि हाँ कैसे शुरुआत करना है, मेहनत स्ट्रगल चालू था, तब जाके पीक की आती है लाइफ में। अजय अतुल के साथ अपना डेब्यू करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या रहा, कैसा एक्सपीरियंस था? पहले जब राजकुमार हिरानी को देखा तो क्या थ्रिल था, घबराहट थी हमें क्या? राजकुमार हिरानी जी को मैंने देख लिया था इंडियन आइडल 5 के एपिसोड। अच्छा, पहले जी वहाँ वो थ्री इडियट्स के प्रमोशन पे आए थे और आमिर खान साहब आए थे, लेकिन आमिर खान साहब लेट आए थे तो मेरा गाना वो पहले ख़त्म हो चुका था। बट अच्छा हुआ राजकुमार हिरानी जी ने सुन लिया, वो डायरेक्टर थे, उनकी नज़र मेरे पे पहले से थी और हम लोग टच में आए और मिले भी। तो उसके बाद से उनका मुझे फ़ोन आता है कि स्वरूप आओ मिलना है आपसे और कुछ सुनना है। तो मुझे वैसे ही लगा कि मैंने कहा राजकुमार हिरानी जी ऐसे फोक म्यूज़िक सुनना चाह रहे होंगे, घर पर कुछ होगा माहौल या ऐसे कुछ गेट टुगेदर। फोक म्यूज़िक उनको सुनाया, बहुत अच्छा लगा। स्वानंद किरकिरे जी सामने थे, अजय अतुल जी थे और राजकुमार हिरानी जी और बहुत सारे वहाँ की उनकी टीम, तो सुनाया तो उनको मज़ा आ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे गाना जब बनने लगा फिर मुझे भी धीरे धीरे पता चलने लगा कि यार ये गाना, उन्होंने बोला कि एक फिल्म के लिए मैं कर रहा हूँ, मैंने कहा वाओ, मतलब एक चमत्कार ऐसा फील हो रहा था। तो मुझे बाद में पता चला कि राजू जी ने बताया कि ये गाना आमिर खान की फिल्म पी के में। राजस्थानी हूँ मस्ती में बोला ऐसा। तो फिर रिकॉर्डिंग हुई तो बोलो पता चला कि अजय अतुल जी इस गाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूजिक दे रहे हैं, उनकी कॉम्पोजिशन है। फिर मैंने गाना जाके सुना और गाया स्टूडियो में, ऐसे कांप रहा था लेकिन पहला ब्रेक था, मैंने कहा कुछ भी गलती ना करूँ मैं। तो मैंने मतलब मैं सोया नहीं एक दो दिन, तो पहले ही मैंने कहा यार रिकॉर्डिंग किसी की भी नींद उड़ सकती है भाई, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऐसे करके। तो भाई साहब मैं गया और स्टूडियो में जाते हुए मतलब दो तीन टेक वाह, आपने अगर उसकी मेकिंग देखी है मैंने, बोलते वेल्डन वेल्डन ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो ये ही आशीर्वाद होता है अपने परिवार का, अपने चाहने वालों का सपोर्ट होता है कि आप जहाँ भी जाते हो ना तो आपका यही जो माँ बाप का जो आशीर्वाद मिलता है आपको वो काम आता है। और सबसे बड़ी बात, पीके में मुझे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था आमिर खान साहब की तरफ से। जब हम पीके के लॉन्च पे गए थे दिल्ली, मीडिया को फिल्म गाना सुनाने के बाद, पहला सॉन्ग रिलीज था सुनाने के बाद, जब बैठे गाना ख़त्म हुआ तो आमिर खान साहब आते हैं और मुझे हेल्प किया टाइम। वाह स्वरूप तुमने बहुत अच्छा गाया गाना ठरकी छोकर, मतलब अलग ही लेवल का। थैंक यू सो मच। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था आमिर खान साहब। मैं जब शोज करता था इस गाने का डिमांड आता था मैं बता रहा हूँ फ्रेंकली, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और मैं क्यों अवॉइड कर देता था उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आपने जो ये मेरे को आज तक नहीं आया, लेकिन आपने कर दिया। नहीं आया वो, यहाँ तो पता नहीं, वो मतलब काफ़ी साल हो गए, बहुत बार मैंने ट्राई भी किया लेकिन वो ये इसका नहीं, ये और वो इतना फ्लो में गा देना, तो ये सिंपल सा था, कुछ ज्यादा उसमें मेहनत नहीं। अरे ठहरे की छोकरो बस, ये बात मैंने देखी है फोक सिंगर्स का ना, यहाँ लगता है सब क्या सीक्रेट। ये सीक्रेट मुझे लगता है कि देखो जो हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि यहाँ ये गॉड गिफ्ट है, जो आप गा रहे हो गॉड गिफ्ट वही होती है जो दिल पे लगती है। तो मुझे लगता है कि ये अल्लाह की एक अलग ही देन है हमारे घराने को, जो भी सुनता है सबको अच्छा लगता है, दिल पे लगता है। तो पीके हो गई, अभी इसके बाद की नेक्स्ट आगे की जर्नी, तो एक फेम तो चलो एक मिल गया था कि आइडल से एक सिंगर आया हमारी इंडस्ट्री में स्वरूप खान, लेकिन अब एक पहचान भी मिल गई। तो पहचान के बाद फिर लाइफ कैसे? बहुत देखिए पीके के बाद काफ़ी प्लेबैक्स मैंने किए, लाइक घूमर भी गाया मैंने श्रेया जी के साथ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट
और सो उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स मिले, लाइक घूमर आया, उसके बाद तापसी पन्नू की एक फिल्म आई थी रश्मि रॉकेट जिसमें अमित त्रिवेदी जी का म्यूजिक था और वो गाना भी मैंने गाया। उसके बाद भूमि 2020 सलीम सुलेमान जी का एल्बम, उसमें मेरा जीनी जीनी जोनीता के साथ, और उसके बाद मैंने खुद का अपना म्यूजिक क्रिएट करना शुरू किया। बालम के बारे में बताइए, जिन लोगों ने बालम अभी तक सुना नहीं है उन लोगों के लिए मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर सुनना। और मुझे अभी तक विश्वास ही नहीं है कि वो आपने गाया, मतलब ये जो चेंज और आपने करा है ना, आपने क्योंकि इंडस्ट्री में भी जो उसके पहले गाया वो सारे राजस्थानी फोक का ही कहीं ना कहीं अंत था, लेकिन वो एकदम जो स्विच ओवर करा है आपने कि ट्रेंडिंग गाना जैसा जो बनना चाहिए वैसा बनाया। बिल्कुल, आपको देखो मुंबई शहर किसी भी आर्टिस्ट को यही चीज़ें सिखाता है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ तो नया करना बहुत ज़रूरी, तभी आप इस शहर में रह पाए। आफ्टर एनी नाइट मैंने चीज़ें सोची हुई थी कि हमेशा कुछ ना कुछ तो अपना एक अलग रूप छोड़ूंगा, क्योंकि नाम में भी स्वरूप है तो अलग रूप होना चाहिए। तो मैंने इसलिए कुछ हमेशा मैं अलग अलग ट्राई करता रहता हूँ, और बालम मेरा प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि राजस्थानी ट्रेडिशनल म्यूजिक हमारे जहन में है, हमारे जो पूर्वजों ने किया वो हमेशा हमारे दिलो दिमाग में रहेगा और करते रहेंगे गाते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा जो यूथ को कनेक्ट करे, आजकल की यूथ कुछ अलग नया म्यूजिक सुनना चाहती है, तो क्यों ना हमारे राजस्थान की लैंग्वेज, हमारे राजस्थान का सिंगिंग स्टाइल वो रखते हुए उनका वेस्टर्न म्यूजिक फ्यूजन क्रिएट करके उनको सुनाए तो मज़ा आता है। तो एक ऐसी चीज़ जो कि आइडल में आने से पहले भी वैसी थी और आज भी वैसी है। बिल्कुल, मैं एक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर अभी एक कोई पूछे तो मुझे लगता है पगड़ी मेरी, मैं पहले भी पहनता था तो सर, और आज भी पहनता हूँ, और मुझे इसमें मज़ा भी आता है, एक एनर्जी मिलती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आज भी आप अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हो। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। स्वरूप भाई आपका टाइम आपने दिया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैन। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा ना तो खड़ताल बजाना सीखूंगा आपसे, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया पर वो कभी नेक्स्ट टाइम पक्का। आप सभी को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।